वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो जावा का लेक्चर है, जहां पे हम आज देखेंगे जावा को कैसे चलाएं, कैसे जावा को प्रोग्राम इंस्टॉल करें और कैसे चलाएं। फिलहाल जावा को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ओरेकल की साइट बजाना है, वहां से जावा को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से आपको डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये वीडियो आप नहीं कर पा रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जावा का लिंक दे दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें। फिलहाल के लिए मेरे पास इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है जावा का, आज उसको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि कैसे हम जावा के प्रोग्राम को चलाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं माई कंप्यूटर में चलता हूँ, दिस पीसी में। यहाँ पे आप चलिए माई कंप्यूटर में, यहाँ पे आप जाते हैं सी ड्राइव में, सी ड्राइव में प्रोग्राम्स फाइल में, यहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल है जिसका नाम है JDK। हमने JDK इंस्टॉल करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास बिन है, JRE है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा को चलाने के लिए सबसे पहले जावा के कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बिन फोल्डर के अंदर होता है। हम कहाँ से गए, तो हम पहले जावा वाली JDK में गए, यहाँ से बिन में गए, और बिन से यहाँ पे मैंने जवैक इस कंपाइलर को यहाँ से चलाना, इसी कंपाइलर को ही हमको चलाना होता है। यानी ये कंपाइलर जब रन हो जाएगा तो आपके जावा प्रोग्राम्स को ये रन करा सकता है। तो सबसे पहले आपके जावा प्रोग्राम्स को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो खैर हम चलते हैं जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो हम देखते हैं क्या हमारा जावा का कंपाइलर चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा के प्रोग्राम को चलाना सिखाऊंगा, यानी डॉस और नोट पैड के थ्रू जावा के प्रोग्राम को, यानी बेसिक लेवल पे जावा के प्रोग्राम, जीरो लेवल पे जावा के प्रोग्राम को सिखाऊंगा। उसके बाद से हम लोग नेटबीन्स IDE पे चलेंगे और IDE से प्रोग्राम को करेंगे। फिलहाल के लिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे हम जावा के प्रोग्राम्स का पाथ सेट करेंगे, जावा के प्रोग्राम्स को कैसे चलाएंगे, यानी कंपाइलर का पाथ कैसे हम सेट करेंगे। तो पास सेट करने के लिए सबसे पहले हम तो चेक करेंगे पास सेट है कि नहीं, तो हमको डॉस खोलना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमको स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एसेसरीज में जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखना है JAVAC। JAVAC का फुल फॉर्म है जावा कंपाइलर, यानी कि हमारे पास एक कंपाइलर है जो जावा का है, जो कि ये प्रोग्राम को चलाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है कि नहीं, जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही लिख रहा है कि जावैक को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, यानी जावैक इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी डॉस नहीं चला पा रहा है जावा को। तो हम आज क्या करेंगे, इसका टेम्प्रोरी पास सेट करेंगे। आपको पास सेट करने का सबसे सिंपल वे है कि आप जहाँ जावा इंस्टॉल किए हो वहाँ जाओ। तो जावा कहाँ इंस्टॉल, तो मैंने दिखाया था कि माई कंप्यूटर के सी ड्राइव में, JDK बिन में हमें जाना है। एक बार मैं फिर से चलता हूँ, आप कोई भी फोल्डर खोलें, यहाँ से आप माई कंप्यूटर में जाएं, माई कंप्यूटर से सी ड्राइव में जाएं, सी ड्राइव से प्रोग्राम फाइल्स, वहाँ पे जाने के बाद से जावा को लेना है, जावा को लेने के बाद से JDK एंड बिन में जाना है, और यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है इस पूरे एड्रेस को। मैंने पूरा एड्रेस कॉपी कर लिया है, अब इसका मैं पाथ सेट करूँगा, यानी जावा कंपाइलर चलाऊँगा। चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ सिर्फ सिंपल एक कमांड होता है डॉस का, कमांड प्रॉम्प्ट का, जिसका नाम है PATH पाथ। पाथ इक्वल्स टू डबल कोट में आपको इस पाथ को पेस्ट कर देना है। पाथ मैंने पेस्ट किया और एंटर कर दिया, ये मेरा पाथ अब सेट हो गया। अब आप जावैक को चलाएंगे, जावैक को चलाएंगे तो जावैक आपको रन करता हुआ दिखेगा, और जावैक कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको साथ में दिखाता हुआ मिलेगा कि वो डिबग कर रहा है कि नहीं, प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं, किस प्रोसेसर पे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ओवरऑल तो ये दिखाएगा। तो ये दोस्तों, ये था हमारा टेम्प्रोरी पाथ, यानी कि ये टेम्प्रोरी पाथ इसलिए इसको कहते हैं कि ये तब तक के लिए जब तक ये ओपन है, यानी ये विंडो जो है जब तक ओपन है तभी तक के लिए ये प्रोग्राम आपका, ये पाथ आपका है। यानी आपने इसे बंद कर दिया और दोबारा आपने रन कमांड खोला विंडो प्लस R की के थ्रू, मैंने CMD खोला और फिर मैंने जावैक किया, जावैक जैसे करोगे फिर जावैक को वो नहीं पा पाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम जावा का परमानेंट पाथ सेट करते हैं। तो परमानेंट पाथ सेट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है माई कंप्यूटर पे, यानी कि आपको माई कंप्यूटर पे जाना है। मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर पे हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद से ये प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है,
एडवांस टैब में जाना है, इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल में जाना है और एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देना है। मैंने टाइप किया नेम पाथ और जो भी एड्रेस था उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट मैंने बिन का एड्रेस किया है जहाँ पे कंपाइलर्स जावा के सारे टूल्स रखे हुए हैं। अब इनको मैंने किया और ओके कर दिया एंड ओके, ये 3 टाइम मैंने ओके किया और ये जावा का पूरा पाथ सेट हो गया। अब कभी भी कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे ये आपका जावा का प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा, यानी आपका कंपाइलर चलेगा ही चलेगा। JAVAC हमारा कंपाइलर चल रहा है, बार बार पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था परमानेंट पाथ सेट करने का तरीका कि कैसे आप परमानेंट पाथ सेट करोगे माय कंप्यूटर के थ्रू। अब हम एक बेसिक सा प्रोग्राम करेंगे, एक हेलो वर्ड प्रिंट कराएंगे जावा के थ्रू। फिलहाल आप जावा की फाइल बनाओगे कैसे, तो जावा की फाइल बनाने के लिए आपको नोट पैड लेना पड़ेगा। तो हम चलते हैं ऑल प्रोग्राम एसेसरीज के अंदर, हमारे पास नोट पैड अवेलेबल है, नोट पैड मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि आप फाइल को सेव करोगे डॉट जावा के थ्रू, तो यानी मैंने फाइल पे क्लिक किया और सेव कर दिया। फाइल का नेम कुछ भी दो तो मैंने की दिया यहाँ पे इम्पल्स impulse.java, ये मेरी जावा की क्लास बन रही है। तो मैंने impulse.java से फाइल सेव किया है, मैं इसे कैपिटल में करता हूँ I को कैपिटल में किया है डॉट जावा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यानी आप पहले हमारे वीडियो सेशन को देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कि जावा के क्लास को कैपिटल रखते हैं, क्यों रखते हैं ये भी पता चलेगा। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स ऑल फाइल्स करना है, ऑल फाइल्स करने के बाद से आपको सेव कर देना है। तो देखिए डेस्कटॉप पे आपको इम्पल्स नाम की एक फ़ाइल दिखाई दे रही है जो कि एक जावा की फ़ाइल है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक जावा की फ़ाइल हमने क्रिएट कर ली है। अब इस फाइल में मैं जावा के कोड लिखता हूँ, तो जावा के कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि क्लास कैसे बनाएंगे, तो मैं क्लास बनाता हूँ क्लास, और क्लास का नेम वही होगा जो आपने फाइल सेव किया है। मेन क्लास फाइल के नेम से ही होता है impulse, मैंने क्लास बना लिया। अब हम मेन बनाएंगे void एंड मेन, ये हमारा मेन मैंने लिख दिया है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का मतलब पिछले लेक्चर में बताया गया है, आप इम्पल्स टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स को पीछे वाले देखेंगे आपको पता चल जाएगा। string सिंपल AR मैंने लिखा है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ system.out.println system.out.println, और यहाँ पे मैंने लिखा है hello impulse मैंने लिखा और बंद कर दिया। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है क्योंकि ये यहीं तक के लिए इसका एंड हो जाता है, ये फंक्शन कॉल किया है। अगर फंक्शन की बॉडी रखेंगे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ओपन करने के लिए और उसको आप क्लोज भी करेंगे, तो ये हमारे मेन की क्लोजिंग है, यानी ये यहाँ खुला है और यहाँ पे बंद हो गया है, और क्लास भी ओपन है तो क्लास को भी हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे क्लास की भी क्लोजिंग, यानी दो ब्रेसेस ओपन हैं तो दो ब्रेसेस आपको क्लोज करने भी पड़ेंगे। तो ये हमने फाइल बना लिया, उसमें हेलो इम्पल्स प्रिंट करा लिया है, अब उसे हम सेव कर देते हैं। अब इसे हम रन कैसे कराएंगे, इस फाइल को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। तो फाइल मेरी डेस्कटॉप पे है, तो मैं भी आपको डेस्कटॉप पे ले चल रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैं भी आ गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले यहाँ पे सिर्फ इम्पल्स था, अब डेस्कटॉप भी आ गया है। अब यहाँ पे हम JAVAC हम चलाएंगे, और JAVAC के साथ आप लिखोगे फाइल का नेम यानी क्लास का नेम, तो impulse.java, यानी इस फाइल का जो नेम है उसका नाम है impulse.java। जैसे इंटर करोगे ये फाइल हमारी कंपाइल हो जाएगी, और कंपाइल होकर देखिए एक दूसरी फाइल बना दिया इसने जिसका नाम है बाइट क्लास, यानी यही हमारी बाइट क्लास है, यही यूनिवर्सल कोड है जो कि जावा को इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ये हमारे बाइट कोड्स हैं जो कि थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये बाइट्स कोड है, यानी यूनिवर्सल कोड है। अब इसी फाइल को हमको चलाना होता है, ये फाइल अब कंपाइल होकर दूसरी फाइल बना चुकी है जिसको हमको चलाना है। रन कराने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जावा, ये जावा का एक इंटरप्रेटर है जो उसे रन कराएगा। किसको रन कराना है, तो इम्पल्स को रन कराना है। आप जैसे ही एंटर करोगे ये इम्पल्स को चला देगा और हेलो इम्पल्स प्रिंट कर देगा।
तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा बेसिक लेक्चर जिसमें हमने पाथ सेट करना सीखा, जिसमें हमने जावा के प्रोग्राम्स देखे, जिसमें हमने प्रोग्राम्स को रन कराने, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारा देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम को और कंटिन्यू करेंगे और यूजिंग प्रोग्रामिंग हम अच्छे से आएंगे। आप देखते रहिए, कंटिन्यूस प्रोग्राम करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखते रहिए, हम उसे सॉल्व करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।